जी नमस्कार सर, आपने हमसे पहले भी कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले वीडियो बनवाई थी, मुझे याद है। आपका अब सवाल है कि मनी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसको लेकर मुझे क्या दिखता है आपके हाथ में। पहले मैंने जब भी आपका हाथ देखा था, मैंने क्या बताया था बिल्कुल भी याद नहीं है, ना मेरे पास वो वीडियो है। तो अभी इस स्तर से फाइनेंशियल लाइफ के बारे में जो भी जैसा भी दिखता है वो आपको सारी जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर बुध रेखा बहुत मजबूत है, जो कि व्यक्ति को बिजनेस स्टॉक मार्केट में सक्सेस देती है। देखिए, ऐसे जातकों के लिए जीवन में ऐसा देखा जाता है कि ऐसा जातक नौकरी में सफल हो जाएगा, लेकिन जहाँ व्यापार की बात होती है व्यक्ति अधिक सफल होता है। किसी भी तरह की नौकरी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में बड़ी नौकरी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी नौकरी क्यों ना हो, व्यक्ति किसी भी नौकरी से इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना व्यक्ति बिजनेस से कमाएगा। तो जॉब सक्सेस लेकर आती है, बिजनेस एक्सट्रीम सक्सेस लेकर आता है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को जिनके हाथ में ऐसा बुध की रेखा है, बिजनेस और दूसरा स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बनाते हुए देखा है। अब मेरी बात सुनके आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने मत लगिएगा, ट्रेडिंग लायक रेखा है नहीं। इसलिए स्टॉक मार्केट में फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, मतलब आपको कोई शेयर पसंद आया, आपने खरीद लिया, कंपनी आपको अच्छी लगी, शेयर सही दाम पर मिल रहा है, आपने 2 से 4 साल होल्ड किया, फिर बाद में कहीं कुछ सालों बाद बेचा, मैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे व्यक्तियों को बिजनेस में और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में बड़ा पैसा बनाते हुए देखा है। आपके हाथ में इस तरह के लक्षण ज़्यादा है कि जीवन में जो बहुत बड़ा पैसा आएगा वो किसी व्यापार स्टॉक मार्केट से आएगा। क्यों आएगा? पहला तो बुध रेखा, जो कि संकेत करते हैं व्यक्ति का बिजनेस एवं लक काम करेगा। दूसरा संकेत यह है कि आपकी भाग्य रेखा भी इसी प्रकार की है। किस प्रकार की है? देखिए, किसी सबके हाथ में अलग अलग तरह की भाग्य रेखा होती है। जैसे जिसके कर्म रहते हैं भगवान उसी प्रकार से भाग्य रेखा देते हैं। किसी के हाथ में ऐसी होती है, किसी के हाथ में ऐसी होती है, किसी के हाथ में ऐसी होती है। आपके हाथ में भाग्य रेखा छोटी है, यहाँ से निकली है, ये होता है राहु पर्वत। जब राहु पर्वत से भाग्य रेखा निकले तो व्यक्ति के जीवन में किस्मत वहाँ ज़्यादा काम करती है जहाँ से अचानक और तेज़ी से धन लाभ होता हो, जैसे कि लॉटरी या स्टॉक मार्केट या कोई भी अदर वर्क। यहाँ पर मैं आपके हाथ में एक राजयोग भी देख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं कर रहे हो तो सफल नहीं होंगे, व्यक्ति सफल होता है। यहाँ पर मैं एक्सट्रीम सक्सेस की बात कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति को स्टॉक मार्केट और किस तरह के व्यापार से देखने को मिलती है। ओवरऑल फाइनेंशियल को लेकर आपका हाथ बहुत बढ़िया है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। अभी जैसी आप बात कर रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो वह टेम्प्रेरी होगी, कुछ समय के लिए होगी, कुछ महीने के लिए होगी, बाकी आपको कोई बड़ी समस्या नहीं देखी जाएगी। यहाँ पर फाइनेंशियल सक्सेस बहुत आराम से दिखती है, कोई ऐसी नेगेटिव बात आपके हाथ में है नहीं जिसको मैं बोल सकूँ कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। थोड़ा सा मैंने आपको जब पहले कभी वीडियो आपने बनवाई होगी तो मैंने शायद बोला होगा, क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला था। अभी जैसी स्थिति है, आपको केवल कुछ महीनों तक राहु के उपाय करने हैं, बाकी कोई रेमेडी आपको नहीं करनी है। भाग्य रेखा की रेमेडी भी आप कर लीजिएगा, वो आपको फ़ायदा देकर चले जाएंगे। अभी जैसा हाथ है, ना तो कोई हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम, आयु को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, परिवार को लेकर कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती है। अगर आपको समस्या आ रही है तो वो इतनी छोटी है कि रेखाओं में नहीं दिख रही है, इसलिए वो कुछ महीनों तक ही देखी जाएगी, बाद में आप अपनी समस्या से, अपनी आर्थिक समस्या से निकल जाएंगे। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जीवन में मान के चलिए आप महीने में 100 रुपये बचाते हैं, तो आपके 100 में से 5 से 10 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। यानी अपनी मंथली सेविंग्स का 5 से 10% व्यक्ति को ऐसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो व्यक्ति को बहुत बड़ा पैसा बना कर देता है। और देखिए, ऐसा भी नहीं होगा कि आपने आज सुना 2 महीने बाद आपने स्टॉक बेचे और आपने नुकसान हो गया, आपने मुझसे कहा कि आपने कहा था फायदा होगा, मुझे नुकसान हो गया। देखिए, मैं फिर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूँ, जहाँ व्यक्ति आज खरीदता है 5 साल बाद बेचता है, आज खरीदता है 10 साल बाद बेचता है, तो इस तरह की इन्वेस्टिंग आपके द्वारा बहुत आपको लाभकारी और बहुत पैसा बनाकर आपको देकर जाने वाली रहेगी। ओवरऑल फिर भी स्टॉक मार्केट को घटा दे तो फाइनेंशियल सक्सेस मुझे यहाँ पर आपके हाथ में समझ आती है। तो यही आपके हाथ का विश्लेषण है, मुझे कोई ऐसा इशू दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी भाग्य रेखा को लेकर आप मुझसे रेमेडी ले लीजिएगा। वीडियो के साथ साथ मैं आपको आपकी रेमेडी भाग्य रेखा को लेकर भी पहुंचा दूंगा, उन्हें लगातार करते रहिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि आप कुछ महीने रेमेडी करेंगे बाद में आपको लाभ मिलेगा, तो जो मैं आपको रेमेडी दूँ वो कम से कम आपको 2 से 2.5 साल तो करनी रहेगी, तब जाके आपको लाभ रहेगा। हमारी एडवाइस रहेगी कि जो आपको रेमेडी मिले उनको लगातार करते रहिएगा लंबे समय तक, वो आपको अच्छे खासे लाभ देकर जाएंगी। तो यही आपके अभी की रेखाओं के हिसाब से विश्लेषण रहेगा। धन्यवाद।